कौन सी, नाउ वी विल स्टडी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी, तो क्या उसके इफेक्ट्स क्या होंगे. नेचुरल रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड एज द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर इंक्रीजेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, आपकी जो फ्रेश एयर हो गई, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, डिप्लीट होती रहेंगी, कम होती रहेंगी. क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे लोगों को पानी और खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा. Population explosion causes environmental hazards. A growth in the population takes its toll on the land by increasing the demand for habitable area. जो population explosion, अगर जैसे जैसे population बढ़ती है, population का explosion होता है, बढ़ती हुई आबादी की वजह से क्या होता है, environmental hazards होते हैं. मतलब हमारे जो environment की जितनी भी हवा है, हमारे environment में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगती हैं. अ ग्रोथ इन द पॉपुलेशन टेक्स इट्स टोल ऑन द लैंड बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर हैबिटेबल एरिया. पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे क्या होता है, इट्स टोल ऑन द लैंड बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर हैबिटेबल. धीरे धीरे वो जो लैंड हो जाती है वो क्या होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं वो एरिया कैसे हो जाता है, बहुत छोटा होता जाता है. और साथ ही साथ ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेबल डिमांड फॉर हैबिटेबल एरिया. हैबिटेबल एरिया क्या होता है, जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं. तो ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ज़्यादा जगह भी चाहिए रहने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लैंड होता है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है. दिस लीड्स टू डीफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. और उसकी वजह से देखिए, वही मैंने बताया कि दिस लीड्स टू डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन का मतलब जब पेड़ों को काटा जाता है, बड़ी क्वांटिटी में जब काटा जाता है उसे डीफॉरेस्टेशन कहते हैं. फॉरेस्ट को जब काटा जाता है, और फॉरेस्ट को लोग क्यों काटते हैं, क्योंकि उन्हें लैंड चाहिए. लैंड क्यों चाहिए, लैंड में रहने के लिए, घर बनाने के लिए, जिसकी वजह से डीफॉरेस्टेशन होता है. और क्या होता है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. और भी बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसका जो ख़त्म होती जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंक्रीज द ग्लोबल पॉल्यूशन लेवल्स टू. और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज और बनेंगे, लोग होंगे तो इंडस्ट्रीज दो, जब चीज़ों की ज़रूरत होगी तो इंडस्ट्रीज बनेंगी नई नई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. अर्बनाइजेशन मतलब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आएंगे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, ग्लोबल लेवल पॉल्यूशन लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उसमें से धुआं निकलेगा, तो धुएं से क्या होता है, पॉल्यूशन, उसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन लेवल क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा. कॉजिंग इम्बैलेंसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग. और उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंसेज और ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो जाएगी. लार्ज पॉपुलेशन स्ट्रेन द इकोनॉमी एंड लीड टू अ स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स. ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इकोनॉमी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पैसे की कमी भी हमको हमेशा लगी रहेगी, हमारे नौकरियों की भी कमी हो जाएगी. एंड लीड टू अ स्केर्सिटी ऑफ जॉब, वही नौकरी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी. Undue usage of land and poor infrastructure lower the quality of health and overall sanitation and hygiene. Undue usage of land, को लैंड का गलत तरीके से यूज़ होना, and poor infrastructure. और देखिए, जब लोगों को घर चाहिए या ज़्यादा क्वांटिटी में घर चाहिए तो लोग क्या करते हैं, ख़राब माल लगाकर poor infrastructure बना लेते हैं, यानी कि गलत खराब बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है. एंड ओवरऑल सैनिटेशन एंड हाइजीन. और उसके साथ साथ सैनिटेशन एंड हाइजीन का मतलब क्या होता है, लोगों की साफ़ सफाई, जैसे कि जो वॉशरूम्स बनते हैं वो सही तरीके से नहीं बनते हैं, उनकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है, तो हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है. तो इस ये सारे जो कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारी लाइफ के लिए. ओके क्लास, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडर पॉपुलेशन. थैंक यू.